चैनल क्यूरियस गुड लाइफ और मैं आप सबसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आज हमारा प्रोग्राम है डे वन है, सुबह सुबह का टाइम था, पतिदेव जग गए थे और बस वो इधर आके ना नेचर का नेचर को एंजॉय कर रहे थे। साथ में मैं भी थी, किशोर भी सोई थी, उन लोगों ने उसे छोड़ दिया, हाँ रूम में दीदी थी और सारे लोग जग गए थे, बस थके थे, सारे लोग फ्रेश हो रहे थे, मतलब जल्दी जल्दी सब काम निपटा के ना हम लोग निकलने वाले थे बाहर आज घूमने के लिए। तो यहाँ पे मस्त सामने में वीवा लेक दिख रहा है और इतना मस्त नज़ारा था ना इधर का कि मैं आप लोगों से क्या नहीं बताऊँ। तब तक सौम्या भी आ गई थी फ्रेश होके, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह उसके क्लिक किए और फिर हम लोग निकल गए। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल क्यूरियस गुड लाइफ। और अभी मैं आई हूँ नेपाल के पोखरा में और इधर सामने में ना वीवा लेक एकदम सामने में दिख रहा है, ऊँची ऊँची पहाड़ी और पहाड़ी के पीछे से ना सुबह सुबह का टाइम है, धूप आ रही है तो मतलब इतना मस्त लग रहा है, ना मतलब एकदम गोल्डन कलर का सब कुछ मतलब दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना खूबसूरत टाइम है। एंड गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने और फिर नाश्ता करने के बाद मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन सब कुछ मतलब जितने सारे ब्लॉग्स वगैरह हैं सब मैं घर आके अपलोड करूँगी। तो आप हमारी वीडियो को देखने के लिए ना आप हमारी चैनल ज्यूस फूड लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं इधर जहाँ कि हम लोग नाश्ता करने के बाद निकलेंगे, तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट करना, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स इस बार आने वाले हैं और एकदम मस्त कुछ नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है क्योंकि धूप निकल चुकी है। और यहाँ त्रिशु हाय बोलो, हाय बोलो बेटा, हाय बोलो, हाय बोल दो, बाय बोलो, बाय बाय बाय, बस प्रेशर खेलने में लगी है। और गए थे रेस्टोरेंट और यहाँ पहुँच के सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लगाया, तो वहाँ से थोड़ी देर वेट करने को कहा गया, फिर हमने थोड़ी देर वेट किया और फाइनली ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका था। तो आज के ब्रेकफास्ट में था आलू पराठा, स्पाइसी चटनी और उसके साथ दही थी और टी थी, तो ये सब हमने लिया। और फिर आराम से ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब आलू पराठे तो इतने बड़े बड़े थे ना, तो एक पराठे खाने के बाद एकदम भरपेट में एक पराठे में ना एक आदमी पूरा भरपेट खा सकता था। फिर हम वहाँ से निकल गए थे और कृष्ण ने एकदम वो तो गोद में रह ही नहीं रही थी, एकदम चाह रही थी ना कि हाँ मैं उसको नीचे उतार दूँ, बस ऐसे मतलब वो रोड पर ना दौड़ते हुए भागे, एकदम से दौड़ते हुए भाग गई थी। फिर मैंने उंगली पकड़ के चलना स्टार्ट किया उसके साथ, ब्रेकफास्ट करके और चलते चलते ना लेफ्ट है
लोगों ने सोचा कि चलो आप सीढ़ी करके ना सीढ़ी वाला मजा लेते हैं। मेरे से तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। और क्या बच्चों का दूध और इनके लिए नाश्ता हम लोगों ने पैक करवा लिया था। दिन हम लोग निकल चुके थे होटल से और यही लोकल से हम लोगों ने गाड़ी हायर की थी पहले एक साइड से ही। और यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी की कॉस्ट जो थी थोड़ी सी कॉस्टली थी, बट क्या ही करते, खुद की गाड़ी ले जाना मतलब व्यू पॉइंट तक हम लोगों ने सेफ नहीं समझा। तो फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को होटल के पार्किंग में ही लगा दी और वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। तो आज ही ना किसी रिवर पर ले जाने वाले थे। देन हमारा फर्स्ट जो व्यू पॉइंट था वो था पतालचांगो। तो यहाँ हम पतालचांगो पहुँच गए थे और यहाँ से फिर हम अंदर जा रहे थे जहाँ की अंडरग्राउंड वाटरफॉल था। और यहाँ से ना नीचे देखने पे मतलब इतना डर लग रहा था मतलब फ़ोन निकाल के शूट करने में भी डर लग रहा था ना ऐसे फ़ोन, या तो फ़ोन छूट जाएगा नहीं तो मैं खुद नीचे चली जाऊँगी। तो मैंने तो देखा नहीं और सारे लोग शुभम और ये सौम्या ये सारे लोग देख रहे थे, बट मुझे नीचे देखने में ना काफ़ी डर लग रहा था। मुझे तो लग रहा था कि ना मैं देखने के बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। तो एक बार मैंने देखा, यहाँ आप देख सकते मतलब काफ़ी नीचे वाटरफॉल और यहाँ पे ना पानी की इतनी तेज़ गड़गड़ाहट आ रही थी ना, आवाज़ आ रही थी कि कुछ भी मतलब सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी का आवाज़ ही आ रहा था। देन यहाँ एक छोटी सी मंदिर थी, ज़्यादा कुछ स्पेशल था नहीं, बट जो स्पेशल था यहाँ पे वहाँ मतलब वहाँ तक मैं देख नहीं पा रही थी। मुझे देखने में ना बहुत डर लग रहा था। जो वाटरफॉल था वो बहुत मतलब गहराई में था और बच्चों को लेके भी डर लग रहा था कि मतलब कैसे हम किनारे पे जाएं बच्चों को लेके। पतला सा जगह था, बहुत ही कंजस्टेड सा जगह था। तो फिर ये बच्चों को लेके चले गए थे और मुझे कुछ रील्स वगैरह शूट करवाने थे, तो बस मैंने थोड़ा बहुत किया और फिर मैं आ गई थी। ये बाबू को लेके आगे है और दीदी है यहाँ पे। देन यहाँ से हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि यहाँ पे बोर होने के सिवाय कुछ नहीं था। जो था सो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बता दिया। एंड गाइस अब हम लोग चल रहे हैं डेविड हॉल, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड गाइस आप लोग काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में डेविड हॉल वाले ब्लॉग को लेकर। तो गाइस थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो रहा था इसलिए मुझे यहीं पे एंड करना पड़ा, क्योंकि ब्लॉग लंबा होता है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय।